गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं मोनालिसा उड़ीसा से आपको स्वागत करती हूँ मेरे गार्डन में। और अभी देखिए शाम के टाइम है और मौसम काफ़ी प्यारा बना हुआ है। बारिश चल रहा था, मतलब दोपहर तक हल्का हल्का बारिश गिर रहा था और मौसम काफ़ी बढ़िया है। देखिए पेड़ पौधे सब जैसे खिलखिला के हंस रहे हैं, ऐसे लग रहा है कड़कती हुई धूप से थोड़ा सा राहत मिला है। दो दिन हो गया तो बारिश चल रहा है बीच बीच में। और खीरा अभी काफ़ी बढ़िया खीरा का फ्रूटिंग मिल रहा है, देखिए ये लगा है खीरा और काफ़ी छोटे बड़े ऐसे, और जितना मैं कैमरा में दिखा रही हूँ। और बीच बीच में जिसको जब ज़रूरत होता है वो आके तोड़ के लेके भी जा रहे हैं, वो सब रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए ये एक बड़ा खीरा बन गया है, ऐसे दिखाई नहीं देता, ढूंढना पड़ता है क्योंकि काफ़ी पूरा भूसी टाइप का हो गया है और नज़र ही नहीं आता। पत्ता और खीरा का कलर एक ही है। और यहाँ पर एक खीरा ये मिल गया, इसका साइज़ देखिए कितना अच्छा है और काफ़ी हेल्दी खीरा है। और दूसरी जगह पर ये जो खीरा लगा था यहाँ पर भी वैसे ही हाल है, पूरा भूसी हो गया है। और जितना मैं टहनी लगाई थी कि सारे टहनी ऊपर जाए खीरा का और ऊपर फले, लेकिन देखिए ये छुपा है इसके अंदर से। और इसको हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, काफ़ी ग्रोथ इसका बड़ा है और काफ़ी बड़ा साइज का है देखिए। और ऐसे ही हार्वेस्टिंग मिल रहा है जितना मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। बाकी जो रेस्ट टाइम जिसको टाइम में मिलता है या जिस टाइम ज़रूरत होता है वो आके सलाद के लिए लेके जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर अगर आपका छत पे आप लगाओगे तो आपको ऐसे ही ऑर्गेनिक खीरा वगैरह मिलेंगे। और ये देखिए मैं कोई हार्वेस्टिंग के लिए नहीं आई थी, मैं अभी शाम को आई थी। कुछ पौधा ये बैंगन का लाई थी कल मैं मार्केट से, और इसमें मुझे जहाँ जिनसे ली वो बता रहे थे कि कुछ वाइट पौधा है और कुछ मतलब वाइट बैंगन का पौधा है और कुछ ब्लैक बैंगन का पौधा है, तो ये बिना कांटा वाला है। तो मैं पूछ के लाई हूँ, अभी लगाना है। और ये दो हार्वेस्टिंग भी मुझे मिल गए, मैं एक्चुअली आई थी लगाने के लिए। और देखिए कितना बढ़िया हार्वेस्टिंग मिल गया, तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं। और ये देखिए फ्रेंड, दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं मुझे, मुझे तो इसमें कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा है, कौन सा ब्लैक है कौन सा वाइट है मुझे इतना पता नहीं, लेकिन मैं अभी लगा रही हूँ, बाद में पता चलेगा जब फ्रूटिंग आएगा। आप सभी को अगर पता होगा कि पहचानने का तरीका क्या है, वाइट कौन सा है और ब्लैक कौन सा है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं तो ऐसे दुकानदार को पूछ के लेके आई हूँ, मुझे कुछ पता नहीं था। एक वाइट में लगाते हैं और एक ब्लैक में लगाते हैं, देखते हैं कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। वाइट गोल वाला बैंगन बताया है और ब्लैक भी गोल वाला ही बताया है। तो अभी ऐसे दो कंटेनर मैं खाली की हूँ यहाँ पे, ये बड़ा वाला मैं एक पहले भी लगाई थी। और ये तो सूख गया, पता नहीं क्या रीज़न है, ख़राबी हो गया, इसीलिए दोबारा से इसको उखाड़ के मैं अभी लगा रही हूँ। ये लग गया। और यहाँ पे भिंडी लगा था, इसको भी मैं अभी जस्ट अभी निकाली हूँ और ऐसे ही लगा रही हूँ, बाद में खाद वाद डालूँगी क्योंकि अभी मिट्टी पूरा गीला है और लगाने से पौधा ख़राब नहीं होता है और काफ़ी बढ़िया ग्रोथ ले लेता है और काफ़ी बढ़िया चलता भी है। और देखते हैं और कहीं अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि और भी 3-4 पौधा है। और ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर पहले भी बैंगन लगा हुआ था लेकिन उसमें काफ़ी वाइट फ्लाइज का अटैक हो गया, जो कीड़ा लग जाते हैं
वो लग गया था और पूरा ख़राब हो गया पौधा, तो उसके चलते मुझे उसको काटना पड़ा। तो काट दिए तो वो पूरा ख़राब ही हो गया, सूखा नहीं। और अभी इसी मिट्टी में मैं और एक पौधा लगाने वाली हूँ, जो न्यू लाई हूँ उसी को। और साइड का बैंगन भी ख़राब हो रहा है, लेकिन अभी मिट्टी इतना गीला है, काम कर किया नहीं जा रहा है। मिट्टी का भी घास भी नहीं निकाला जा पा रहा है। और इस साइड वाले बैंगन का कांटा भी घुस गया हाथ में। और वैसे तो मैं कांटा वाला लगाती नहीं हूँ, लेकिन पिछले बार जिनसे ली थी पौध, तो उन्होंने बताया बिना कांटा वाला है। ऐसे बेचने का चक्कर में वो भी झूठ बोल देते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर भी वो जो व्हाइट वाला बताया था, व्हाइट वाला का एक लाके में लगा रही हूँ। बस ये बच जाए, फिर इसका केयर करते रहेंगे। और यहाँ पे देखिए कितना सारा घास है, पूरा घास से भर गया है। जैसे ही बारिश का पानी मिला और इतना घास निकला, कुछ मत। अभी देखिए इतना घास में निकाल के इसको लगाई हूँ साफ करके। और यहाँ पर देखिए मेरे लौकी तीनों के तीनों जर्मिनेट हो गए। और तीन में से यहाँ पे दो रखना है मुझे, और एक को बीच में से निकाल लेना है और दूसरा कहीं पे लगाना है, दूसरा कंटेनर में। तो अभी लगा दिए हैं। मौसम ऐसे बना है, जैसे बारिश दिन भर तो गिरता रहा, अभी भी गिरेगा रात को लग रहा है, फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे इनमें। और इसमें तो मुझे कोई खीरा वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ से दो तोड़ के लेके गए थे, अभी छोटे बन रहे, छोटे छोटे दिख रहे हैं। और यहाँ पर मैं पानी भर के रख दिया था, तो इसे पानी को डाल देते हैं उसमें। ऐसे ही फ्रेंड, मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ के आप सभी को दिखाती रहती हूँ वीडियो, और काम भी जितना हो सके करके मैं दिखाती हूँ। आप भी अपने गार्डन में ऐसे ही लगा सकते हो और अपने परिवार को ऑर्गेनिक खिला सकते हो। ऐसे ही थोड़ा सा टाइम शाम को या सुबह, जैसे भी हो, एक दो घंटा दिन में टाइम निकालना पड़ेगा, तभी जाके हो पाएगा, नहीं तो मुश्किल है। और ये बहुत जल्दी लग जाएगा, क्योंकि बारिश चलते टाइम कोई भी पौधा लगाओ बारिश के टाइम में, वो ख़राब होने का चांसेस बहुत कम रहता है और वो बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। और अभी ये जितना पौध बच रहे हैं ना, वो इन्हीं में से एक जगह पर मैं मिट्टी में दबा के रख दूँगी, और जब मुझे कंटेनर खाली मिलेगा फिर उस टाइम उखाड़ के लगा लूँगी। और ये देखते हैं कैसे फलता है, इसका रिजल्ट क्या आता है। और आज के लिए फ्रेंड इतना ही। आप सभी को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय।